डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 12th of April 2024 फ्राइडे, हफ्ते का लास्ट दिन है एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। वेंसडे को यूएस सीपीआई डेटा जो हायर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस आया, उसके बाद हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि डॉलर इंडेक्स आपका मूव हायर 105.30 फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 104.02। ये जो आपका 105.20 का एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे काफी टाइम के लिए रेस्पेक्ट किया आपका 35 को भी रेस्पेक्ट किया, फिर आपका फर्स्ट अप्रैल 62nd अप्रैल को भी रेस्पेक्ट किया। अभी यूएस सीपीआई डेटा के बाद ये आपका ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया है। सो अभी ये जो रेजिस्टेंस है इसको तो तोड़ के ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद क्या मोमेंटम मिल रहा है? दैट इज द मेन क्वेश्चन मार्क। सो अगर हम थर्सडे का प्राइस एक्शन देखेंगे, इट्स ए स्पिनिंग टॉप कैंडल, यानी एक रैली के बाद स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप विथ प्राइस रिजेक्शंस एट द बॉर्डर टू साइड्स। इसका मतलब क्या? ये रैली के बाद पॉज, यानी पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग फॉर फर्दर क्यूज कि इतना ऊंचा तो आ गया है, नाउ व्हाट, इज इट गोइंग टू मूव फर्दर हायर और इट इज गोइंग टू रिट्रेस बैक। दैट इज व्हाट वी कैन इंटरप्रेट फ्रॉम थर्सडे स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये हो गया प्राइस के हिसाब से। अगर हम आरएसआई के हिसाब से देखेंगे, डेली आरएसआई एट योर 67, तो अबव 60 में है, बट रेजिस्टेंस क्या, ये 60-65 के बीच में ये रेजिस्टेंस लेता है या फ्रीली मूव करते हैं, दैट वी नीड टू चेक। इट इज गिविंग द क्लियर पिक्चर बिकॉज़ अर्लियर आरएसआई वाज 70, नाउ इट इज एट 60, सो अबव 60 है, लेकिन मोमेंटम अभी हमें देखना है। क्या देखना है? यही कि आपका थर्सडे के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं या नहीं। ये हो गया डॉलर इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज डॉलर। आपको याद होगा इस लेवल पे डेली बेसिस पे मैं ये एनालिसिस कर रहा था कि इस 152 जो 132 ईयर्स का हाई है, वहाँ पे प्राइस शार्प रिजेक्शंस होना चाहिए अगर इसको रेजिस्टेंस के हिसाब से रेस्पेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या किया? कंटिन्यूसली 4, 8, 12, 15 15 डेज मींस ऑलमोस्ट 15 ट्रेडिंग डेज, ऑलमोस्ट वन मंथ एक्टिविटी, तो से 20th मार्च से अब 9th अप्रैल, फ्यू ट्रेडिंग डेज हियर एंड देयर, ऑलमोस्ट वन मंथ यहाँ पे कंसोलिडेट। मतलब रेजिस्टेंस जोन पे टाइम पास करने का मतलब क्या है? इट इज ट्राइंग टू टेस्ट द सेलर्स और आल्सो ट्राइंग टू चेक द कन्विक्शन ऑफ द बायर्स। वही हुआ, सेलर्स का कन्विक्शन मिटिगेट हो चुका था बिकॉज इतना टाइम नहीं लेना था, रदर इसको शार्पली, जैसे आपका इधर की तरफ देखोगे शार्पली आ गया है, उसके बाद भी आप अगर देखोगे यहाँ पे देखोगे शार्पली नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिखा। दैट मीन्स सेलर्स कन्विक्शन वाज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। अभी चेक करना था बायर्स कन्विक्शन, बायर्स कन्विक्शन के लिए हमें इंतजार था एंड वो बेसिकली डिटेक्ट के बाद 4 के ऊपर चला गया। इसको बिगर टाइम फ्रेम पे, बिगर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर छोटा सा इतना सा एक बॉक्स पकड़ेंगे, ये वाला बॉक्स, तो डॉलर येन इनकमिंग मंथ्स वी आर एक्सपेक्टिंग 160। ओनली कंडीशन इज दैट रेगुलर बेसिस में हमें देखना है कि ये रिवर्स तो नहीं हो, इज देयर एनी रिवर्सल सिग्नल, इफ देयर इज एनी रिवर्सल सिग्नल वी नीड टू टर्न अकॉर्डिंगली। ये हो गया डॉलर। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में क्या हो रहा है? यहाँ पे आप अगर देखोगे हमारा ये पिछले थर्सडे 4th अप्रैल एंड 5th अप्रैल का जो हाई एंड लो है, 4th अप्रैल का हाई एंड 5th अप्रैल का लो, इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ वी आर एक्सपेक्टिंग 1.8 एंड नीचे की तरफ ब्रेक डाउन तो सेलिंग आएगा, लेकिन मोमेंटम विल नॉट बी दैट मच ग्रेट बिकॉज यहाँ पे इमीडिएट एक सपोर्ट लेवल है एंड वही हुआ, जैसे ही फ्राइडे के लो के नीचे ट्रेड किया, दैट मीन्स 1.2570 के नीचे ट्रेड किया, नीचे तो आया लेकिन मोमेंटम अगेन कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ दिस जोन इज बिकमिंग वेरी क्रूशियल। अभी हमें देखना है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के क्या ये ऊपर की तरफ जाते हैं या ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करते हैं। दिस इज द थिंग वी नीड टू चेक। अगर ये नीचे की तरफ एक्चुअल ब्रेक डाउन करते हैं तो कितना नीचे आएगा? नथिंग बिग, ये छोटा सा, कोई बड़ा टॉप नहीं है, जितना ये रेंज है उतना ही नीचे हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो in such a case 1.22 is expected in coming weeks. इसके लिए हमने बोला real breakdown, ऐसा ना हो false breakdown, यानी नीचे की तरफ break किया फिर मनो बना के ऊपर चला गया। अगर false breakdown होगा तो उसका calculation अलग होगा। In future अगर ऐसा हम कुछ देखते हैं तो हम उसका analysis करेंगे। As of now हमें देखना है क्या ये यहाँ पे consolidate कर रहा है, consolidate करके W pattern बना के ऊपर की तरफ जाता है या breakdown करता है। In case it is breaking down then GBP dollar is heading towards 1.22, 1.2175 से 1.22। ये हो गया GBP dollar। अभी आते हैं GBP INR। जीबीपी आईएनआर का भी हमारा सिमिलर एनालिसिस, 4th अप्रैल का हाई एंड 5th अप्रैल का लो, इट्स द क्वेश्चन एंड जैसे आइदर साइड ब्रेकआउट करेगा एक सेलिंग देखा जाएगा, ये सेलिंग देखा गया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अभी एक सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन में सिमिलर टू जीबीपी डॉलर यही एनालिसिस है। क्या ये यहां पे टाइम पास कंसोलिडेट करके डब्ल्यू पैटर्न बना के डब्ल्यू पर चढ़ इस तरह डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाते हैं या ब्रेकडाउन करते हैं नीचे की तरफ, ये हमें देखना पड़ेगा।
थर्ड कंडीशन इज पॉज ब्रेकडाउन, उसके लिए जब कुछ सिनेरियो आएगा आई विल मेक द वीडियो। नेक्स्ट इज योर यूरो डॉलर सिमिलर एनालिसिस, क्या था यहाँ पे हमारा दो दिन का कैंडल का हाई एंड लो था, थर्सडे का हाई एंड फ्राइडे का। थर्सडे का हाई को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करते हैं एंड सस्टेन करते हैं, यहाँ पे देखो ब्रेक किया था लेकिन पॉज ब्रेक किया, बट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया एंड सपोर्ट लेवल पे आके रुका। अभी ये सपोर्ट लेवल को रेस्पेक्ट करता है या ब्रेक डाउन करता है ये हमें देखना पड़ेगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं इन सच केस यूरो डॉलर में इतना इक्विवेलेंट हमें एक रेंज मिल सकता है जो यूरो डॉलर को लेके जा सकते हैं आपका टुवर्ड्स 1.0450। उसके लिए हमें क्या देखना है, क्या डॉलर इंडेक्स इज हेडिंग टुवर्ड्स 107, जीबीपी डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.22 एंड यूरो डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.0450। यूरो आईना सिमिलर एनालिसिस, यहां पे दो कैंडल था 4th अप्रैल और 5th अप्रैल का, उसका हाई एंड लो पॉइंट क्वेश्चन देखना था कौन सा साइड में ब्रेकआउट करता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया एंड नाउ ये सपोर्ट जोन पे आके रुका। अभी हमें देखना है ये सपोर्ट जोन पे कैसे बिहेव, सिमिलर एनालिसिस नथिंग दिस वन। आजकल क्या हो रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द करेंसीज आर बिहेविंग इन सिमिलर फैशन। अभी आते हैं डॉलर, इन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, यहां पे टाइम पास कर रहे हैं इमीडिएटली ये 152 पे नीचे नहीं आ रहा है। अगर आज तीसरा दिन है या 3-5 दिन के बीच में यानी मैक्स टू मैक्स अगले हफ्ते में अगर ये 152 के नीचे आ जाते हैं इन सच केस इन सच केस इट कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ द हायर साइड, तो क्या होगा शार्प सेलिंग टुवर्ड्स 147 होने का प्रोबेबिलिटी। नाउ आई एम नॉट टेलिंग कि यूरो डॉलर येन इज मूविंग डाउन टुवर्ड्स 147, अंडर व्हाट कंडीशन वी कैन एक्सपेक्ट डॉलर येन टू मूव टुवर्ड्स 147 इज इफ इट इज कंसीडर्ड एज अ प्रूव एज अ फॉल्स ब्रेकआउट इन सच केस। सो अदरवाइज यहां पे अगर टाइम पास करते हैं तो हमारा टारगेट तो है ही 164 मंथली टाइम फ्रेम, यानी अच्छा खासा टाइम देगा। येन आईना अच्छा खासा नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहां पर भी वही एनालिसिस ये नीचे की तरफ बहुत नीचे जा सकता है अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन ना हो तो। डॉलर के दिन आपका ये जो रेजिस्टेंस आपको याद होगा 1.36 1.36 20 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ 1.3350 का सपोर्ट था, आइदर साइड इट हैज टू ब्रेक आउट, ये ऊपर की तरफ ब्रेक आउट कर दिया। इन सच केस डॉलर के दिन इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.38 एंड 1.39, ओनली वन कंडीशन दिस शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्रूफ एज अ फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड टुडे और कमिंग डेज, मेबी इन नेक्स्ट इज आफ्टर द ब्रेकआउट 2-5-7 दिन में ये फॉल्स ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकआउट होता है तो हो जाना चाहिए। $80 कंसोलिडेट करके लोअर एंड में इसको इस रेंज से बाहर निकलने देते हैं। CNH 7.2490 ये कंसोलिडेट कर रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ सी, सो जब तक ये 7.29 के ऊपर पागलपंती ना कर दे ठीक है, डॉलर इज आल्सो अंडर कंट्रोल। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो है 90.30 है, यहां पे एक्चुअली ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट ये थोड़ा एंटीसिपेशन मार्केट इज एंटीसिपेटिंग कल ईद खत्म हो गया है मेबी टुडे या सैटरडे मींस ईरान इज गोइंग टू स्ट्राइक हार्डली अगेंस्ट द इजराइल, तो उस टाइप का अगर कुछ होते हैं तो ऑयल सप्लाई में काफी डिस्टर्बेंस आएगा, इन सच केस ऑयल में अगेन स्टार्ट मूविंग। अगर ऐसा कुछ नहीं होता एंड ईरान इज नॉट हेवीली अटैकिंग इजराइल इन सच केस सप्लाई अगेन नॉर्मलाइज हो जाएगा और क्रूड ऑयल थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स 87। ये हो गया ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी ऊपर भाग गया, क्या ऊपर भाग गया, ये हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया सपोर्ट लिया ऊपर भाग गया 4.56, बहुत ही जबरदस्त मूव है। सो यहां पे ये ओनली वन थिंग विद पर्सपेक्टिव में आरएसआई एक्सिस्ट ऐसा ना हो कि ये दोबारा कूल ऑफ हो जाए, ये जो यूफोरिया है ये यूफोरिया दोबारा कूल ऑफ ना हो जाए। ऐसे भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटीज है आपका, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था जिसको ब्रेकडाउन किया था नीचे, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सो दैट मींस द केस यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है पहले सपोर्ट था, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। दैट मींस द केस यहाँ पे और एक थिंग हमें देखना है, ये आपका फिबो रेट्रेसमेंट, ये फिबो रेट्रेसमेंट एट 61 करेंटली एट 61.8, तो ये जो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए नीचे अगर आना है तो। यूएस टू ईयर ट्रेजरी भी ऊपर भाग गया है आपका, देखो ये पहले रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट किया बाउंस बैक किया एंड ऊपर की तरफ, अभी ये एक रेजिस्टेंस 5.08 का, इसको हमें थोड़ा सा देखना है। मींस जो पीपल पब्लिक और मींस बाय द स्टार्ट ऑफ द ईयर कैलेंडर ईयर चार रेट कट 3 रेट कट अभी धीरे धीरे ये दो पे आके डिस्कशन पॉइंट हो रहा है सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशंस, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा क्या कैसे कैलिब्रेट करते हैं रेट कट को या नो रेट कट। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज आवर डॉलर पे कंसोलिडेट कर रहे हैं पे है, सो आपका थोड़ा सा ये इस मींस ब्रॉडर रेंज में आप अगर देखोगे ब्रॉडर रेंज में यही रेंज के अंदर में घूमना चाहिए जब तक थ्री कंडीशंस आ रही है। क्या थ्री कंडीशंस, अगेन आई एम रिपीटिंग, वन इज इनविजिबल हैंड्स प्रेजेंस ऑन अपर साइड एज वेल एज ऑन लोअर साइड, दैट इज द फर्स्ट वन। सेकंड वन इज CNH 7.29 के ऊपर पागलपंती ना करना चाहिए, PBS शुड कंटेन द यूएन डेप्रिसिएशंस। द थर्ड वन इज डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स ऊपर स्ट्रांग हुआ है, बाकी दो फैक्टर्स आपका यहां पे रुपी को इतना पागल नहीं कर रहा है, तब तक ये इसी रेंज के अंदर में रहना चाहिए। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर। ये वीडियो में थोड़ा लेट बना रहा हूँ, अभी 11:06 इसलिए करेंसी फ्यूचर को रेस्ट्रिक्शन डालने के बाद अभी थोड़ा सा वो हो रहा है, देखने का मन नहीं करता करेंसी, बिकॉज नाउ आई मीन रिटेल ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर नाउ आई कैन ट्रेड पर्सनली इन करेंसीज रूपी बेस्ड करेंसीज, जिसके कारण थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो चुका है, बट फिर भी इट्स माई फर्स्ट लव, करेंसीज इज माई फर्स्ट लव, सो इसको
छोड़ नहीं सकते, इसको देखना है कैसे, क्योंकि अभी बंद हुआ है, रिस्ट्रिक्शन आया, क्या पता आने वाले सालों में फिर दोबारा इसको कर दे, इन सच केस हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, आई डायरेक्टली देयर, बाय बाय।